सो हेलो दोस्तों, दिस इज प्राची एंड वेलकम टू एनएम राज। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के नए ब्लॉग में, जहां मैं आप सभी को देने वाली हूँ ढेर सारी इन्फॉर्मेशन, वहीं बताने वाली हूँ हमारी नई नई कहानियां कौन सी आने वाली है। तो चलिए फिर बिना देरी के आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ हमारे आज के बिहाइंड द सीन। सबसे पहले हम यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है लाडो का पांचवा एपिसोड, जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे तैयार हो रहा है बनके, और आप लोगों को जल्द ही लव सिटी पे भी इसे एपिसोड को देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे आप देखोगे कि खुशी को किस तरीके से लोगों का इंतजार सहने के लिए मिलने वाले हैं, वहीं उसकी फ्रेंड यानी कि उसकी और वहीं उसके घर देखने आने वाले हैं रिश्तेदार, यानी कि रिश्ते वाले अब उसको देखने आने वाले हैं। लेकिन होने वाली है एक बड़ी कंफ्यूजन, क्या खुशी का मजाक उस पर भारी पड़ने वाला है या कहानी में कोई और ट्विस्ट आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अब इंतज़ार करते हैं और देखते हैं आगे कहानी में क्या होने वाला है। और इस तरह मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये है हमारी काका टीवी की नई कहानी। पहले तो आप इस कहानी को देखिए, इस कहानी की मेकिंग हो रही है, जहाँ पर आप देखने वाले हो कि दो लड़के हैं सुहाना और माही, जिनके बीच का एक खूबसूरत रिश्ता आप लोगों को दिखाया जाएगा, और जिसके बारे में अगर आपको अभी और डिटेल्स जाननी है वो तो आप अगर आगे ब्लॉग में बने रहेंगे तो आप लोगों को आगे की डिटेल्स भी जरूर मिल जाएगी। फिलहाल जो है आप देखिए कि अभी से जो है काका टीवी की नई कहानी की मेकिंग शुरू हो गई है, और ये कहानी भी जल्द ही आप सभी लोगों को काका टीवी पे देखने के लिए मिल जाएगी। सो दैट्स इट, ये थे हमारे आज के बिहाइंड द सीन, और अब हम चलते हैं हमारे ब्लॉग में आगे की तरफ। और सबसे पहले बात करते हैं हमारे एन एम स्टोरी के। सो एन एम स्टोरी में आप सभी ने देखा होगा हमारा नागराज का एपिसोड नंबर 4 डल चुका है एन एम स्टोरीज पे, और अगर आपने मिस कर दिया है, नहीं देख पाए, तो जल्दी से जाके हमारे इस एपिसोड को ज़रूर देखना, जहाँ आप देखने वाले हो किस तरीके से नागराज एक बार फिर बच्चों की जान बचाता है, लोगों की जान बचाता है। वहीं सिमरन को भी अब ये बात पता लगाने के लिए विराज जो है आगे कुछ करने वाला है, ताकि सिमरन को पता चल जाए कि असली नागराज विराज ही है, और अगर उसको इस बारे में पता चलता है तो किस तरीके का रिएक्शन देती है। तो अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग देखने वाले हो हमारी इस कहानी में, और आप लोगों को कहानी कैसी लग रही है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अभी तो विराज के साथ साथ अभी आगे आप देखने वाले हो कि एक नाग वर्ल्ड आपको दिखाई देने वाला है, जहाँ पे आप देखने वाले हो कि किस तरीके से कई सारी मुश्किलें आने वाली है नागराज पर, और वो मुश्किलों का किस तरीके से सामना करता है, तो ये सब आप लोग अभी देखने वाले हो। फिलहाल आप लोग 4th एपिसोड एंजॉय कीजिए, 5th एपिसोड बन रहा है, जैसे ही बनता है आप लोगों के लिए एन एम स्टोरी पर उसको डाल देंगे, तब तक आप हमारे इस एपिसोड को एंजॉय करें। सुनाओ अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं हमारे लव सिटी की। लव सिटी पे आप सभी लोगों ने देखा होगा हमारा लाडो का 4th एपिसोड, जो कि अपलोड हो चुका है लव सिटी पे, मैंने आपको कल बोला था अपलोड होने वाला है, जहाँ पे आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमारे पीरियड्स क्रैम्प को लेकर, पीरियड्स को लेकर खुशी को काफी ज्यादा सबके सामने जलील किया जाता है, और किस तरीके से उसके साथ अत्याचार करता है एक औरत को, के ही एक औरत के ऊपर इस चीज को लेके एलिगेशन लगाना, उसे परेशान करना कितनी ही ज्यादा बुरी बात है, कितनी ज्यादा बेशर्मे वाली बात है। फिर भी जो है खुशी सारी चीजों को बहुत अपने ऊपर लेती है, फिर भी उसकी मदद करती है, जहाँ पे उसकी जो बहन है यानी कि जिसके घर वो काम करती है वो तो बाहर पार्टी में चली जाती है, और अपनी जगह बिठा के चली जाती है खुशी को। अब जो है आगे कहानी में क्या ट्विस्ट देखने वाले को मिलने वाला है, क्योंकि जो है अभी तो उसकी माँ आने वाली है, जहाँ पे वो खुशी को इस तरीके से उस हालत में अपनी बेटी के बेड पे देखने वाली है, जहाँ पे पीरियड ब्लड उसको देखने के लिए मिलता है, किस तरीके से अब आगे खुशी को टॉर्चर किया जाने वाला है। तो अब जो है फाइनली अगले एपिसोड से होने वाली है लव स्टोरी की शुरुआत एक बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन कई कंफ्यूजन के साथ, क्योंकि अभी जो है बहुत सारी कंफ्यूजन बाकी है, बहुत सारा ड्रामा बाकी है, इसलिए हम लोग इंतजार करते हैं और देखते हैं आगे कहानी में क्या होने वाला है। अगला एपिसोड बन रहा है, जैसे बनता है आप लोगों के लिए लव सिटी पर हम उसको अपलोड कर देंगे। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं काव्या टीवी की, जहां आपको देखने के लिए मिला होगा अमीर गरीब ही गर्मी का हमारा 5वां और आखिरी एपिसोड। जी हाँ, बहुत सुंदर तरीके से हमारी स्टोरी की एंडिंग कर दी गई है, आप लोग देख ही सकते हैं कि कितना खूबसूरत तरीके से कहानी की एंडिंग की गई है। तो जहां पे आप लोग देखोगे कि फाइनली नैना सुमित आपस में मिल चुके हैं, वहीं परिधि को भी अपना प्यार मिल चुका है, जहाँ पे वो चार्ली के साथ उसी गरीबी में रहती है, और चार्ली भी परिधि के लिए सब कुछ अच्छे से
सेटल हो जाता है, उसी घर में रहना शुरू कर देता है। एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से कहानी को एंड कर दिया गया है और आप इसका जल्द ही कंबाइंड एपिसोड भी देखने वाले हैं जो कि हमारी कहानी बनने वाली है और इसके बाद आप लोगों को उसका कंबाइंड एपिसोड देखने के मिल जाएगा। वहीं बात करते हैं अगली कहानी आप सभी के लिए काका टीवी पे कौन सी आने वाली है, जिसका नाम है अमीर गरीब सहेली यानी कि फ्रेंड जोन है, जहाँ पे एक जो सहेली है यानी कि जिसका नाम है सुहाना, जो कि काफी ज्यादा अमीर होती है, वहीं दूसरी तरफ माही से मिलने वाले हो जो कि गरीब परिवार से होती है, लेकिन दोनों के बीच में दोस्ती होती है। अब ये दोस्ती है, ये किसी तरीके का नाटक चल रहा है या फिर फायदा उठाया जा रहा है दोस्ती के नाम पे, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग अभी देखोगे इस कहानी में। अमीर गरीब की सीरीज को आप लोग बहुत पसंद करते हैं, उसके लिए शुक्रिया, इसीलिए हम आपके लिए इस तरह की सीरीज हम लोग लेकर आ रहे हैं, तो इस कहानी को भी जरूर देखना। फिलहाल आज से ही कहानी का पहला एपिसोड बन रहा है जो आपने बिहाइंड द सीन में देखा, तो अभी कहानी बन रही है, जैसे बनते आप लोगों के लिए काका टीवी पे इसको अपलोड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हॉरर सीरीज की, तो आप लोगों ने देखा होगा कुल धरा हॉरर स्टोरी आप लोगों के लिए डल चुकी है, नहीं देखा जल्द से जाकर जरूर देखिए, कहानी बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों के लिए बताई गई है, नरेट किया गया है, तो आप लोग इस कहानी को मिस बिल्कुल भी ना करें। हम लोग अगली कहानी जरूर लेके आएंगे, जल्द ही लेके आएंगे, तब तक आप हमारी इस कहानी को एंजॉय करते रहिए। फिलहाल हमारे आज के सेशन में, हमारे आज के ब्लॉग में बस इतना ही, कल फिर से आएंगे नए ब्लॉग के साथ, नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए एनएम राज।